जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 29 केंद्रों पर मात्र 2007 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 1525 और सेकेंड डोज लेने वालों में 482 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज, सीएससी, पीएससी सहित 29 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अभी तक करीब 2 लाख लोगों का सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वे लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व होने के कारण बुधवार को टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की संख्या कम रही। सीएमओ ने दीपावली पर्व पर जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली पर्व धूमधाम से मनाएं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, डस्टबिन नहीं आज हमारे जनपद में 29 लोगों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 32,60,000 से ज़्यादा डोज लगा दिए हैं, उसमें से 23,53,000 ज़्यादा फर्स्ट डोज है और 9,06,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज है। अभी हमें करीब 10,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। अभी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, पहला डोज भी लोगों का छूटा है, और तो दूसरे करीब 2,00,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि सेकेंड डोज उनका ड्यू हो गया है लेकिन अभी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। हमें लोगों से अपील है कि दिवाली की हम सभी जनपदवासियों को बधाई देते हैं। आप दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाएं, आप खुशी से मनाएं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे लोगों के बीच में ही है। तो हम लोग 2 गज की दूरी ज़रूर मेंटेन करें और भीड़ भाड़ में बिल्कुल ही ना जाएं। जब भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, हाथ समय पर धोते रहें। इस तरह से कोरोना के फैलने से बचाव हम हो पाएंगे। सभी जनपदवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं।